नमस्कार दोस्तों, भक्ति नगरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 108 नाम के बारे में। माँ दुर्गा के 108 नाम कौन कौन से हैं और इन नाम के जप का क्या महत्व होता है, ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। माँ दुर्गा के अनेक नाम हैं, प्रत्येक नाम के पीछे एक कथा और उसका महत्व समाया हुआ है। नवरात्र में माँ दुर्गा के नाम का जप करने से माता कष्टों को हर लेती हैं। जो भी भक्त दुर्गा जी की उपासना करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्र में कुछ भक्त जहाँ कठिन तपस्या करते हैं तो कुछ लोग भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण दुर्गा पाठ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको आराधना का समय नहीं मिल पाता है। तो वे माँ के 108 नामों का जप जरूर करें, क्योंकि नवरात्र में माँ दुर्गा के नाम का जाप करने से माता कष्टों को हर लेती हैं। अगर माँ दुर्गा के 108 नामों का उच्चारण सही ढंग से किया जाता है तो माता रानी की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रत्येक नाम के उच्चारण में सावधानी रखनी बेहद जरूरी है। माँ दुर्गा के 108 नाम इस प्रकार हैं। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनः बुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्य अभव्य सदागति सांभवी देव माता चिंता रत्न प्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पाटंबर परिधाना कमल अंजिरंजिनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटव हंतरी चंडमुंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशा सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वशास्त्र धारिणी अनेकाहस्त्र सस्ता अनेकास्तस्य धारिणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केसी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर सतनाम का जो प्रतिदिन पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।